नमस्ते फ्रेंड्स, और आप मुझे देख रहे हैं डाइट हैक्स फॉर बेटर हेल्थ बाय अनुराधा। मैं हूँ डाइटिशियन अनुराधा और मैं आपको देती हूँ बहुत सारे भूले बिसरे खाने के बारे में जानकारी, जो कि अब हमारे खाने से धीरे धीरे गायब होती जा रही है, पर उनका जो न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस है, जो पोषक की महत्ता है, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और हमें उन सारी चीज़ों को जान के वापस अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही एक फूड के बारे में आज हम वापस डिस्कस करने वाले हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ उससे पहले कि आप सब है कैसे इस ठंड के सीज़न में, जहाँ ठंड बढ़ती जा रही है, कि आप भी सुबह सुबह उठने के बाद शरीर में अकड़न, जोड़ों में जकड़न, यहाँ वहाँ दर्द की शिकायतें करते उठते हैं। अगर ऐसा है तो लेते क्या है आप इसमें? आप लेते हैं कोई पेन किलर का सहारा, क्योंकि भाई ऑफिस है, घर का काम है, वो सारी चीज़ें तो करनी ही हैं, तो लेते हैं पेन किलर। या फिर अगर मेडिकली आपकी कोई कंडीशन बड़ी हुई नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोरूमेटाइड आर्थराइटिस जैसी, तो आप कुछ नेचुरल चीज़ें भी ले सकते हैं। और वो नेचुरल चीज़ें आपके पेन को तो बहुत अच्छे से मैनेज करेगी ही, पर उसके साथ बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करेगी। जी हाँ, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं ये आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है। तो जानते हैं और बहुत कुछ आने वाले सेक्शन में, स्टे ट्यून्ड। जी हाँ, तो हम बात कर रही थी अपार महिमा। जी हाँ, बात ही क्या कर रहे थे, हम तो गा रहे थे अपार महिमा। और वो अपार महिमा किसकी थी? कच्ची हल्दी की। जी हाँ, मेरे पास तो है भाई कच्ची हल्दी। मैं तो हर हफ्ते में दो बार मंडी से जाके लेके आ रही हूँ। कि आप ला रहे हैं, कि आपको पता है इसके क्या क्या फ़ायदे? भाई कुछ फ़ायदे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे वो वीडियो तो जाइए देखिए, बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है। भाई इसी सीज़न में हल्दी आती है, अभी गुणों को जानेंगे, फिर ही खरीदेंगे, फिर ही बनाएंगे। अगर बाद में देखेंगे तो सीज़न तो चला जाएगा, फिर उसका यूज़ करेंगे कब? तो रॉ टर्मरिक या कच्ची हल्दी के इतने गुण हैं कि एक वीडियो में, क्योंकि हम उन गुणों को नहीं ले सकते, कुछ वीडियो में हम उन्हें समाप्त भी नहीं कर सकते। तो एक एक जो उसकी क्वालिटी है, जो उसके फ़ायदे हैं, वो हम एक एक वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला का ये अगला वीडियो है। आज जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं, वो चीज़ है जोड़ों के दर्द, जोड़ों के अकड़न, बोन्स की अकड़न, जो कि बहुत कॉमन एक शिकायत रहती है सर्दियों के दिनों में। तो हम आज ये कोशिश करेंगे जानने की कि किस तरह जोड़ों के जकड़न में कच्ची हल्दी बहुत उपयोगी काम आती है। जी हाँ, कच्ची हल्दी में होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण। अब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था पहली वीडियो में, नहीं देखा है तो आप जाके अभी भी देख सकते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जो होता है, वो करता क्या है? जो कर्क्यूमिन नाम का वो बायो एक्टिव बायो अवेलेबल सब्सटेंस था, जी हाँ, जो हमने पिछली बार इतना सारा डिस्कस किया था, वो कुछ एंजाइम्स और साइटोकाइनेंस नाम के कंपाउंड होते हैं हमारे बॉडी में, उनको कर देता है ब्लॉक। ये एंजाइम्स और साइटोकाइनेंस करते क्या है? ये बढ़ाते हैं इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी या आपके जॉइंट्स, जोड़ों के अंदर। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है आंतरिक सूजन, स्वेलिंग, जो बाहर से नहीं दिखती, अंदर से आती है, तभी तो जॉइंट्स और बोन्स और मसल्स आपके पेन करते हैं ना। तो उस सूजन को लाने वाली जो एंजाइम्स और साइटोकाइनेंस है, उनको ब्लॉक करने का काम करता है हल्दी, कच्ची हल्दी की कर्क्यूमिन। और इसीलिए उसका उपयोग हमें सीज़न में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए माँ प्रकृति ने हमें वही चीज़ें इस सीज़न में प्रोवाइड की है जो इस सीज़न के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कच्ची हल्दी आती है सर्दियों में, जोड़ों का दर्द भी आता है सर्दियों में, तो दोनों ही चीज़ें एक ही सीज़न में अवेलेबल है। तो इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, जाइए कच्ची हल्दी लीजिए और कच्ची हल्दी को अपने डाइट में इंक्लूड करिए। स्पेशली अगर आपको
हो, किसी भी तरह का जोड़ों या मसल से रिलेटेड दर्द आपको नहीं है, आपके घर में किसी को है, कोई एजेड मेंबर है आपके घर में, या आपके यहाँ किसी और को भी हो सकता है, यंग लोगों को भी रहता है कई बार, पुरानी या नई चोटों की वजह से, कई बार हम वर्कआउट करते हैं उस वक्त हमें चोटें लग जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाता है उस वक्त हमें चोटें लग जाती है, तो ये सारी चोटों के जो दर्द होते हैं उनसे रिलेटेड जो पेन होते हैं वो इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कच्ची हल्दी डेफिनेटली उस पेन को मैनेज करने में बहुत अच्छे से हेल्प करती है, तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि आप ये जो चैनल है या वीडियो है वो उनके साथ शेयर करें, ताकि उन्हें रीज़न समझ में आए। देखिए, कभी भी किसी भी चीज़ के पीछे का रीज़न जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से समझ में आता है, तो उस चीज़ का फ़ायदा हमारे शरीर पर बहुत अच्छे से पड़ता है। और यही इस चैनल का मकसद भी है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे डाइट से रिलेटेड जो आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, पर मैं आपको बता रही हूँ ज़्यादातर चीज़ें फूड से रिलेटेड, ताकि आप खाने को अच्छे से समझें और उसको ग्रहण करते वक्त, उसको खाते वक्त उससे क्या क्या फ़ायदा आपके शरीर में होने वाला है उसे समझें। और जब आपका माइंड, आपका फूड और आपकी बॉडी पूरी तरीके से उसे समझती है, तो वो अलाइन हो जाती है, एक ट्यून हो जाती है, और उसके जो बेनिफिट्स है खाने के वो आपके शरीर को मिलते ही मिलते हैं। इसलिए हाईली रिकमेंडेबल है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आप इस तरह के डाइट हैक्स आने वाले दिनों में और जानें, और दूसरे लोगों के साथ भी इस फूड की नॉलेज को शेयर करें, ताकि हमारा जो फूड कॉन्शियसनेस लेवल है, कलेक्टिव फूड कॉन्शियसनेस लेवल, वो धीरे धीरे बढ़ते जाए, और हमें अपने ट्रेडिशनल फूड्स पे, हमारे नेचुरल फूड पे जो हमारे यहाँ अवेलेबल है उस पे हमें गर्व हो, और उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके अपनी सेहत को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएं। सो नो एक्सक्यूज़ कि दर्द हो रहा है तो अब हम नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइज, क्योंकि है ठंड के दिन, अकड़न है तो आज तो कर देते हम छुट्टी अपने वर्कआउट की, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कच्ची हल्दी खाइए, तंदुरुस्त रहिए, सारे दर्द और सारे अकड़न को दूर भगाइए, और बिल्कुल अपनी फिटनेस पे काम करते रहिए, क्योंकि अभी आने वाले पार्टियों का सीज़न, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, वेकेशंस है, शादियां हैं, उसमें दिखना है ना आपको अच्छा। ऐसे कोई मुहूर्त नहीं निकाला है कि 1 जनवरी को ही हमें कोई फिटनेस या एक्सरसाइज या हेल्थ रिलेटेड गोल बनाना है और फिर तभी से हम बिल्कुल डट के उस पर काम करेंगे, जी नहीं, साल भर का काम है और अभी से लग जाइए बिल्कुल, उस वक्त तो डेफिनेटली आपको उल्टा अच्छा दिखना है। तो कच्ची हल्दी को अपने खाने में ज़रूर से उपयोग में लाए, और उसके सारे ज़्यादा से ज़्यादा गुण पाए, यही सीज़न है, सीज़न में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं। सीज़न चले जाने के बाद सूखे रूप में आपको हल्दी मिलेगी, पर सीज़न का फ़ायदा यही होता है कि उस वक्त न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और आप जब उस चीज़ को उस वक्त यूज़ करते हैं तो आपके शरीर को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। तो उसी के साथ डाइट हैक्स देखते रहिए, अपने लाइफ में हैक्स को यूज़ करते रहिए, और अपनी न्यूट्रिशनल नॉलेज बढ़ाते रहिए। आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, आएंगे ना आप, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।